नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट इज एक्साइटिंग एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच वॉज अंडरटेकन बाय द US साइंटिस्ट। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई द ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, वॉट दे आर, हाउ दे आर सिक्वेंसिंग इन द ऑन द क्रोमोजोम्स, वॉट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वॉट इज द अदर्स। दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट वॉज मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। एंड इट वॉज लॉन्च इन 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। नॉर्मली दैट स्टेप टेकन ड्यूरिंग द स्टडीज, दैट इज थ्री स्टेप टेकन ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज मैपिंग sequencing, mapping means find out the map of the human gene where these are there and find out their how their sequence, unka sequence kya hai, and functional analysis. These are the three steps taken by the scientist, that is mapping, sequencing and functional analysis. Normally that human genome project through human genome project, that is 3×10^9 base pair identified. Iske through jo human genome base pair hote hain approximately 3×10^9 base pair, in sabko आइडेंटिफाई करने के बाद अगर इनकी सिक्वेंसिंग को या इनको आइडेंटिफाई करने की अगर कोस्ट देखें, दैट इज $3 पर बेस, दैट इज पर बेस पेयर, तो इसकी इतनों की जो कोस्ट आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 billion। मीन्स इन ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेटली 3×10^9 base pair was there, 9 base pair, and if the cost of one base pair is of $3, so total cost of 3×10^9 base pair is of 9 billion. That was very great amount, बहुत ज़्यादा amount है, बहुत ज़्यादा amount था। और इस sequencing को, इनकी information को अगर books में store किया जाए, that was a 1000 page book is required, and each page contain 1000 letter, and total requirement of books is of 3300, yani total books ki requirement kitni hogi, 3300 books aur ek page par 1000 letter aur ek बुक के अंदर 1000 पेज होंगे, तब जाकर के इसकी इनको वापिस, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सिक्वेंसिंग की है, मैपिंग की है और उसके फंक्शनल एनालिसिस किया, उसको रिटर्न फॉर्म में लाया जा सकता है। अदरवाइज छोटा मोटा कोई बुक्स के अंदर इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। व्हाट वाज द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? क्या गोल थे? सबसे पहले अगर इन गोल्स के बारे में बात करें, गोल्स दैट आइडेंटिफाई द ऑल goals of HGP, Human Genome Project, identify the total gene approximated 20,000 to 25,000 जो जीन थे उन सबको identify करना, then store the information in database,
जो इंफॉर्मेशन इन जीन पे उसको डाटाबेस स्टोर करना, इंप्रूव टूल्स को इंप्रूव करना, इंप्रूव द टूल्स और जिस जिन टूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा, स्टडी की जा रही, उनको इंप्रूव करना भी जरूरी था. एंड मेकअप द सीक्वेंस ऑफ थ्री बिलियन बेस जो 3 बिलियन बेस होते हैं ह्यूमन जीनोम की सिंगल सेल के अंदर, उन सबको मेकअप करना, यानी कौन से उनका सीक्वेंस क्या है. देन ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, यानी सपोज ये इंफॉर्मेशन किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइंड आउट की जाए तो उनको भी बताना कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है या इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से व्याख्या की जा सकती है, किस तरह से उसका एनोटेशन किया जा सकता है. एंड एड्रेस ELSI इथिकल लीगल सोशल इश्यू, बहुत सारे इथिकल इश्यू हो सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सिक्वेंस करते वक्त फाइंड आउट करते हैं, लीगल इश्यू हो सकते हैं, सोशल इश्यू होता है, उन सबको भी मैनेज करके चलना पड़ता था. सो दीज आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द टोटल जीन दैट वॉज 20 to 25,000, स्टोर देयर इंफॉर्मेशन, इंप्रूव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मैपिंग द सिक्वेंसिंग ऑफ जीन्स, ट्रांसफरिंग ऑफ दीज इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड अदर टेक्नोलॉजी, एंड एड्रेस द ethical, legal and social issues. That Human Genome Project was the 13-year project. 13-year project. It was based on specially UK-based project. But some other countries also associated with this project, that Germany, China, France, also associated, Britain also associated with the Human Genome Project, because it was very mega project. So, through this project, find out the each and every gene function, each and every gene information, each and every gene or different types of disorders of the human beings, how they are function, what is the reason behind the particular type of disorder. If we see in the human genome, that is 99.9% repetitive sequence was there. रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस सपोज दिस इज द वन क्रोमोसोम, तो इन दिस वन क्रोमोसोम दिस सेगमेंट ऑल दीज सेगमेंट्स आर सिमिलर इन अलाइक, हर तरीके से इनका सीक्वेंस सेम था, केवल उनके बीच में सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग चेंज होगी, उसके बाद सेम सीक्वेंस सेम, दैट इज नोन एज रिपीटेटिव सीक्वेंस. और इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से मैक्सिमम सिमिलरिटी है, और सिंगल बेस पेयर की वजह से, डिफरेंस की वजह से इनमें सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट किए गए. व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी यूटिलाइज बाई to find out the sequencing of human genomes, that methodology कौन सी techniques utilize की गई, that is of expressed sequence tags, ESTS, that is expressed sequence tags. Expressed sequence tag कैसे किया था, first one expressed sequence tags, then next one is sequence annotation. Sequence annotation.
ये दोनों मेथोडोलॉजी यूटिलाइज की थी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनिमेशन. फर्स्टली साइंटिस्ट कट द दिस ह्यूमन जीनोम इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स ह्यूमन जीनोम को बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसको कट किया. कट करने के बाद इनको ट्रांसफर किया इनटू द पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर इनको ट्रांसफर किया, या ट्रांसफर करने से पहले इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार की गई, हर पर्टिकुलर सेगमेंट की मल्टीपल कॉपी तैयार की गई. देन दैट विल बी आंसर इंसर्ट इनटू बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी बैक्टीरिया के अंदर इस स्मॉल सेगमेंट को इंसर्ट किया, या ईस्ट के अंदर इस स्मॉल सेगमेंट को इंसर्ट किया ईस्ट के जीनोम के अंदर. यानी सपोज इतना सा सेगमेंट लिया और बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर उस सेगमेंट को इंसर्ट कर दिया, या इतना सा सीक्वेंस लिया और ईस्ट के सीक्वेंस ईस्ट के जीनोम के अंदर सीक्वेंस उसको इंसर्ट कर दिया, फिर उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई किया, तो इस सीक्वेंस के आने से इसके अंदर क्या चेंजेस आए, कौन सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना, दैट इज द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, दैट इज सीक्वेंस ऑफ एनुमेशन, उसकी व्याख्या की कि भाई ये चीज आई इस बैक्टीरिया में तो उसके एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिले, या उससे क्या एक्स्ट्रा कोई केमिकल का फॉर्मेशन हुआ, या बैक्टीरिया का जो लाइफ एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट हुआ. इन दिस वे द साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट जीन्स इन द ह्यूमन बींग्स बाय द क्रिएटिंग ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थ्रो द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोमेशन. इन दोनों के थ्रू अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इन छोटे छोटे पोर्शन क्रोमोसोम के पोर्शन को इंसर्ट किया, और वहां पर इनके जाके आज किस तरह के इंफॉर्मेशन मिली, और इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया. लगभग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 2003 में, परंतु सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम आइडेंटिफाई हुआ था वो लगभग 2006 में हुआ था. दैट वाज द क्रोमोसोम नंबर वन. क्रोमोसोम नंबर वन सबसे लास्ट में उसकी इंफॉर्मेशन पता हुई थी, बट द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003 एंड द साइंटिस्ट फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ टोटल 24 क्रोमोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग. 24 क्रोमोसोम, दैट इज 22 ऑटोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. दीज आर द 24 क्रोमोसोम विच वॉज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग एंड देयर सीक्वेंसिंग फाइंड आउट बाय द ऑल द साइंटिस्ट. सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड. ह्यूमन जीनोम कंटेन दैट इज 3.364.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स एंड द एवरी जीन कंसिस्ट एवरेज जीन कंसिस्ट दैट इज 3000 बेस. बेस जीन दैट इज अप्रोक्सिमेटली 3 बिलियन और 3.2 बिलियन और वे कैन से 3164.7 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड थे, और हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3000 बेस है. एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एवरेज जीन कंटेन सिंगल जीन इतने जीन है, एंड ईच जीन कंसिस्ट 3000 बेस एंड देयर साइज इज ग्रेट. देयर साइज इज ग्रेट बहुत ज्यादा वेरी कर रही थी. जरूरी नहीं सभी जीन की साइज सेम जैसी थी, कुछ जीन छोटे भी थे, कुछ जीन की साइज बड़ी थी. तो एवरेज जीन कंसिस्ट दैट इज 3000 एंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल जीन दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 30,000. बिफोर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दैट द जीन वॉज 80,000 टू
1,00,000, but that is very low. Approximately that is 30,000 gene was present in the human being. उन सब की अलग अलग उनमें बेस पेयर थे, टोटल जीन थे 30,000. The function of old discovered 50% of the same of the old discovered gene. जितने भी discovered gene human project के through हुए, उन सब में से 50 जो सारे function थे वो same थे जितने discovered किए थे. और इन सब में से केवल 2% जीन प्रोटीन, यानी जितने जीन हैंड आउट किए उनमें से केवल, यानी या ह्यूमन जीनोम में जितने जीन्स होते हैं उनका 2% जीन ही प्रोटीन की कोडिंग करते हैं, बाकी सारे प्रोटीन दूसरे फंक्शन भी उनके करते हैं. ह्यूमन जीनोम कंटेन रिपीव सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस मीन्स, अभी मैंने बताया था, कंटिन्यूअसली सेम सीक्वेंस विल बी रिपीट वन बाय वन. इनिशियल सपोज दिस द सिंगल डीएनए, दिस देन अगेन दिस, दिस पोर्शन अगेन हियर, दिस पोर्शन अगेन हियर, दिस पोर्शन अगेन हियर, दिस पोर्शन अगेन हियर, दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस. तो इन ह्यूमन जीनोम जीनोम दैट इज रिपीटेटिव सीक्वेंस इज देयर, और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज मेड अप फ्रॉम द रिपीटेटिव सीक्वेंस. देन क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट जीन, क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट जीन मैक्सिमम, दैट वॉज 2968, एंड क्रोमोसोम वाई हैज लीस्ट जीन, दैट इज 231. वाई पर सबसे कम जीन है 231 जीन, और क्रोमोसोम वन पर सबसे मैक्सिमम है. एंड साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 1.4 लोकेशन, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 1.4 लोकेशन इज ऑफ सिमिलर, 1.4 लोकेशन इन द ह्यूमन जीनोम इज ऑफ 1.4 मिलियन लोकेशन. यानी इतनी लोकेशन एक जैसी थी, एंड विच इज ड्यू टू वेरिएशन इन द सिंगल नाइट्रोजन बेस, एंड दिस इज नोन एज एस एन पी, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन ह्यूमन जीनोम दैट 1.4 मिलियन लोकेशन इज सिमिलर, इन विच ओनली वन सिंगल नाइट्रोजन बेस इज ऑफ डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सो दीज आर द सेलियंट फीचर्स. अगेन आई रिपीटेड, टोटल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग दैट इज 3164.7 मिलियन. ईच जीन कंसिस्ट अबाउट एवरेज 3000 बेस. टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग दैट इज ऑफ 30,000 अप्रोक्स, विच वॉज एस्टिमेटेड प्रीवियसली एस्टिमेटेड दैट इज 80,000 टू 140,000, दैट इज फ्रॉम देयर इट इज वेरी लो. 50% जीन आर अलाइक इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओनली 2% जीन इज कोडिंग फॉर प्रोटीन. इन ह्यूमन जीनोम दैट रिपीटेटिव सीक्वेंस इज देयर, क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट ऑफ द जीन दैट इज 2968 जीन, एंड क्रोमोसोम वन हैज लीस्ट जीन दैट इज 231 जीन इज देयर. एंड साइंटिस्ट ऑल्सो आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज देयर, एंड दिस इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? इफ यू सी द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज. एप्लीकेशन क्या हो सकता है? थ्रू दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, वी कैन रिमूव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
genetic disorder. Also, utilize this information into other sectors. दूसरे sectors या दूसरी industries के अंदर इसको अपन utilize कर सकते हैं, जो human genome की information है. इस information से दूसरे animals के बारे में information ली जा सकती है, medicine के बारे में information ली जा सकती है. Future challenges की बात करें, most challenge of that human genome project, that is the scientist. It require many scientists to identify the human sequence. तो ऐसे scientist नहीं है अभी world के अंदर जो बहुत talented हो और इसको sequence को find out कर सके. Plus the technology is also required for the sequencing to identify the particular or confirmed sequence of the human genome project. So future challenge, these are the future challenges or application of the human genome project.